समाजवादी पार्टी ने जारी की मध्य प्रदेश की दूसरी सूची। समाजवादी पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश चुनाव के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। इंडिया गठबंधन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अब बिगड़ता हुआ नजर आया, जहां समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनावों में प्रत्याशियों की दूसरी सूची को जारी किया है। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ही बिखरता हुआ नजर आया है, क्योंकि अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अलग अलग मध्य प्रदेश चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। लगातार INDIA गठबंधन में खटपट की खबरें सुनने को मिल रही थी, लगातार बयानबाजियों का दौर जारी था। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया है। उर्दू के साहित्यकार शारिब रुदौलवी का हुआ निधन, तो उर्दू के साहित्यकार के निधन की खबर है। यश भारती से सम्मानित थे शारिब। यूपी और दिल्ली उर्दू एकेडमी अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया था, तो यूपी और दिल्ली उर्दू एकेडमी अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया था। उर्दू साहित्य की किताबों के लेखक है शारिब, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इसके साथ ही शिक्षक संस्थानों में प्रोफेसर के पद पर भी ये अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और उर्दू के एक मशहूर साहित्यकार के रूप में ये विश्वविख्यात है। उर्दू के साहित्यकार शारिब रुदौलवी के निधन की खबर है। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बार फिर से ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट किया है कि शारिब रुदौलवी दुनिया से हुए रुखसत। अखिलेश यादव ने शारिब रुदौलवी के रुखसत होने का एक ट्वीट किया है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट करते हुए संतावना व्यक्त की है। शोकाकुल परिवार को संबल प्रदान करे, अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट किया है, जहां उर्दू के मशहूर साहित्यकार के निधन पर उन्होंने दुख भी जताया है। शारिब रुदौलवी दुनिया से रुखसत हुए, अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट किया है। वहीं ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट करते हुए शोकाकुल परिवार को संबल प्रदान करने का भी जिक्र एक्स पर किया है। मुरादाबाद में महिला का खेत में मिला खून से लथपथ शव, खबर मुरादाबाद से है, जहां महिला का खून से लथपथ शव बरामद किया गया। शव मिलने की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया, तो शव मिलने की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया है। अज्ञात बदमाशों ने गला काट कर महिला की हत्या की है, तो अज्ञात बदमाशों ने गला काटते हुए महिला को मौत के घाट उतारा है। वही मामले की जाँच पड़ताल में भी पुलिस जुट गई है। थाना भोजपुर इलाके के रानी नंगल की ये पूरी घटना बताई गई है, जहां एक महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। महिला का खेत में मिला खून से लथपथ शव। संबल में सीबीआई टीम ने गाजियाबाद बैंक में मारा छापा, सीबीआई की टीम ने गाजियाबाद बैंक में छापेमारी की कार्रवाई की है। टीम की छापे की सूचना पर हड़कंप मच गया, तो सीबीआई टीम की छापेमारी की सूचना पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में रिश्वत लेने की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। बैंक में कार्यरत प्राइवेट कर्मचारी से भी पूछताछ, तो बैंक में कर्मचारियों से पूछताछ की गई। जिले के अधिकारी आधिकारिक पुष्टि करने को तैयार नहीं है, तो जिले में आधिकारिक पुष्टि करने को अभी कोई भी अधिकारी का कोई बयान सामने नहीं आया। रजपुरा थाना क्षेत्र के ग्राव स्थित PNB शाखा का ये पूरा मामला बताया गया है, जहां CBI टीम ने गाजियाबाद बैंक में छापेमारी की कार्रवाई की है। इस दौरान क्षेत्र में हड़कंप मच गया, लेकिन इस पूरे मामले पर जो अधिकारी है वो कुछ बोलने से कतराते हुए दिखाई दिए। लखनऊ में राधेलाल स्वीट्स के ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज, राधेलाल स्वीट्स के ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ड्राइवर पर 4.63 लाख के गबन का मुकदमा दर्ज किया गया। ड्राइवर को शोरूम में रुपए देने के लिए भेजा था, ड्राइवर पर पैसे के गबन किए जाने का आरोप लगा है। तकरीबन 4 लाख के रुपए गबन किए जाने का ड्राइवर पर आरोप लगाया। स्वीट हाउस के एरिया सेल्स मैनेजर ने एक FIR दर्ज कराई है। गोमती नगर कोतवाली में सेल्समैन ने ड्राइवर के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराया है। इसके साथ ही राधेलाल स्वीट्स का ड्राइवर बताया गया है, जिस पर यह मुकदमा दर्ज कराया गया है।
बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। बिजली विभाग की एक बार फिर से बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां अनुरक्षण कार्य के बावजूद नहीं हुई पेड़ों की छटाई। तो अनुरक्षण काम के बावजूद भी पेड़ों की छटाई नहीं की गई। गोमती नगर का नेहरू एनक्लेव अनुरक्षण कार्य से अभी तक अछूता है। पेड़ों के बीच में लगे विद्युत पोल में लगी आग, तो पेड़ों के बीच में मौजूद विद्युत पोल में आग भी लग गई है। गोमती नगर के विश्वास खंड उपकेंद्र का ये पूरा मामला बताया गया, जहां बिजली विभाग की लापरवाही से एक बार फिर से आग लगने की घटना सामने आई है। गैर जिम्मेदाराना हरकतों से इलाके की जनता भी परेशान नजर आई है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही एक बार फिर से आम जनमानस को अब परेशान कर रही है। लखनऊ में तेज रफ्तार का दिखा कहर, तेज रफ्तार का कहर लखनऊ में देखने को मिला है। खबर लखनऊ से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बुद्धेश्वर पुल के नीचे भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो बुद्धेश्वर पुल के नीचे एक भीषण सड़क हादसे की ये तस्वीरें हैं, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने दो लोगों को रौंद दिया है। इस पूरे हादसे में एक की मौत और एक की हालत गंभीर बताई गई है। तो इस पूरे सड़क हादसे में एक की मौत और एक की गंभीर हालत बताई गई, और मामले की जांच पड़ताल में भी अब पुलिस जुट गई है। पारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया गया, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। इस दौरान बुद्धेश्वर पुल के नीचे एक तेज रफ्तार ट्रक ने दो लोगों को रौंद दिया है। लखनऊ में एडीजे ने हत्या के प्रयास की दी तहरीर, एडीजे ने हत्या के प्रयास की तहरीर दर्ज कराई, जहां अज्ञात व्यक्ति ने गाड़ी को टक्कर मार कर रोका। अज्ञात व्यक्ति ने गाड़ी को टक्कर मार के रोका है, जिसके खिलाफ अब एक FIR दर्ज कराई गई है। मामले की जांच पड़ताल में भी पुलिस अब जुट गई है। हजरतगंज इलाके के डालीबाग का यह पूरा मामला बताया गया है, जहां एडीजे ने हत्या के प्रयास की तहरीर दर्ज कराई है। लखनऊ में राधेलाल स्वीट्स के ड्राइवर पर दर्ज हुआ मुकदमा। राधेलाल स्वीट्स के ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज किए जाने की खबर है, जहां ड्राइवर पर तकरीबन 4.5 लाख के गबन का ये जो मुकदमा है ये दर्ज कराया गया है। इसके साथ ही ड्राइवर को शोरूम में रुपए देने के लिए भेजा गया था। इस दौरान ड्राइवर पर रुपयों के गबन किए जाने की FIR दर्ज कराई गई। स्वीट हाउस के एरिया सेल्स मैनेजर ने ये केस दर्ज कराया है। गोमती नगर कोतवाली में दर्ज कराया गया मुकदमा, तो एरिया के सेल्समैन ने ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। राधेलाल स्वीट्स का ड्राइवर बताया गया। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो